ये तो अब हम बात कर रहे हैं MySQL को इस्तेमाल करने की। तो सबसे पहले तो हम अपना लोकल होस्ट लिख के पोर्ट नंबर, अगर आपकी है तो पोर्ट नंबर दें, वरना डायरेक्टली आप चले जाएगा PHP Madmin लिखेंगे तो आपके पास PHP Madmin का फ्रंट एंड आ जाएगा। लोकल होस्ट मेरी पोर्ट है 82/PHP MyAdmin, एंटर कर दिया। एक्स्ट्रा टैब हम बंद कर देते हैं। ये हमारे पास PHP Madmin का फ्रंट एंड आ गया है। अब PHP Madmin के अंदर ये फ्रंट एंड है, यहां पर देखें हमारे टॉप के ऊपर लिखा हुआ सर्वर की एक आईपी नजर आ रही है। हो सकता है आपके पास यहां पर जब आप आए पहली बार तो लोकल होस्ट लिखा हुआ रहा हो, तो सर्वर की आईपी हो 127.0.0.1 या फिर लोकल होस्ट लिखा हो, एक ही बात है। बेसिकली ये जो आईपी है ये लोकल होस्ट की सर्वर आईपी है, ठीक है। ये डिफॉल्ट आईपी होती है, इसको हम पीएचपी के कोड में यूज भी कर सकते हैं और वहां लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं, दोनों चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आगे कि इस फ्रंट एंड में क्या क्या है। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक जो है वो हमें पेन नजर आ रहा है, ठीक है। इस पेन के अंदर होम का बटन है, लॉग आउट का बटन है, सेशन आउट और रिफ्रेश का बटन है, सेटिंग्स के बटन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे सारे डेटाबेसिस हमें नजर आ रहे होते हैं, सारे डेटाबेसिस हमें यहाँ लिस्ट में मिल रहे हैं, ये तमाम डेटाबेस यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो जब हमें डेटाबेसिस देखने हो तो हम यहाँ डेटाबेस के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो भी हमारे पास डेटाबेसिस की लिस्ट आ जाती है, ठीक है। या एक तरीका एसक्यूएल का भी है कि आप भाई क्यूरी से डेटाबेसिस देख लें, तो एसक्यूएल में चलते हैं। ये जगह है जहां पर हम क्यूरी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल। मैंने कहा भाई एक कमांड है शो की, ठीक है, शो में मैंने लिखा डेटाबेसिस और सेमी कॉलन लगा दिया शो डेटाबेसिस करके। जब मैं गो का बटन दबाऊंगा तो भी ये मुझे सारे डेटाबेसिस दिखा देगा इस सर्वर के, ठीक है। सॉरी डेटाबेसिस लिखना था, आई थिंक मैंने एस नहीं लगाया, यस शो डेटाबेसिस, ठीक है। गो कर दें इसको, तो शो की कमांड हमें तमाम डेटाबेस लिस्ट करके दिखाई थी, ये सारे डेटाबेसिस आपके इस यूजर के लिए मौजूद है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया हमारा डेटाबेस दिखने का। अब हम एक नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं, आप चाहे तो यहाँ डेटाबेस पे क्लिक करें या फिर यहाँ न्यू पे क्लिक करें, एक ही बात है, या फिर आप एसक्यूएल में जाके जो क्यूरी की जगह है वहां जाके आप लिख दें क्रिएट डेटाबेस, जिस तरह आप बनाते थे एसक्यूएल सर्वर के अंदर, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हो सकता है। और डेटाबेस का नाम दे दिया अफनान, तो ये डेटाबेस बन जाएगा, ठीक है। बट मैं तरीका जो है MySQL का यूज कर रहे हैं हम, ताकि तेज डेवलपमेंट हो सके हम डेटाबेसिस पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम डेटाबेस का नाम देंगे, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस का नाम जो है वो क्या रखना है, तो हमारी बुक में चैप्टर नंबर 4 जब स्टार्ट होता है तो पहली डिस्कशन है नेमिंग कन्वेंशन की। देखिए, डेटाबेस का नाम रखना या किसी टेबल का नाम रखना या किसी कॉलम का नाम रखना या डेटाबेस के किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आप नाम रखेंगे, ऑब्जेक्ट से मुराद मेरा है व्यू हो, स्टोर प्रोसीजर हो, ट्रिगर हो, डेटाबेस हो, टेबल हो, कॉलम हो, ठीक है, इंडेक्स हो, ये सारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट है। इनमें जो नाम रखने की शर्तें हैं वो सारी वही शर्तें हैं तकरीबन जो एक वेरिएबल के नाम रखने की शर्तें हैं, जिसमें लीगल करेक्टर्स क्या क्या है। लीगल करेक्टर है ए टू जेड, स्मॉल हो या कैपिटल हो आप लिख सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं 0 to 9, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज करेक्टर सच एज अंडरस्कोर और डॉलर, आप यहाँ पर MySQL के अंदर अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं और डॉलर भी यूज कर सकते हैं किसी नाम के अंदर अगर आप चाहें तो, ठीक है। वैसे ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप अंडरस्कोर या डॉलर यूज करें, अंडरस्कोर फिर भी स्पेस की जगह लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन डॉलर यूज करना बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता, ठीक है। अ नेम कैन स्टार्ट विद अ डिजिट बट कैन नॉट कंटेन ओनली डिजिट। MySQL में और दीगर लैंग्वेजेस के अंदर जो हम वेरिएबल के नाम रखते हैं या SQL सर्वर में जो हम डेटाबेस का नाम रख सकते हैं या कॉलम का नाम रख सकते हैं, उसमें एक फर्क यह है कि वहां पर डिजिट से शुरू नहीं हो सकता नाम ना, ठीक है। यहाँ पर डिजिट से शुरू हो सकता है लेकिन आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ डिजिट पर नहीं हो सकता। ये MySQL का तरीकाकार है कि आप सिर्फ 0 to 1 किसी चीज का नाम नहीं रख सकते, ठीक है। ये MySQL के अंदर बेसिकली एक शर्त है। आप कॉमा यूज नहीं कर, आप डॉट यूज नहीं कर सकते, आप कॉमा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। डॉट अगर आप इसलिए यूज नहीं कर सकते कि डेटाबेस के अंदर से अगर कोई चीज एक्सेस करनी हो तो उसके लिए डॉट इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, जिस तरह किसी क्लास के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये 1905E है, ठीक है, ये डेटाबेस है मेरा, इसमें कई सारे तो वहां पर टेबल है, कोई छोटा डेटाबेस देखते हैं, काफी बड़े बड़े डेटाबेसिस हैं। अलखैर DB का डेटाबेस भी काफी बड़ा है, B2B का डेटाबेस खोला मैंने, इसमें FAQ का टेबल है। तो अब देखो मैं किसी डेटाबेस के अंदर नहीं हूँ उस वक्त, अगर मैं किसी डेटाबेस के अंदर जाऊंगा या क्लिक करूंगा, ठीक है, तो देखो मैं डेटाबेस के अंदर आ गया B2B। मैं दोबारा सर्वर पे आया, अब मैं सर्वर लेवल पर हूँ और मैं B2B में से कोई टेबल एक्सेस करना चाहता हूँ, तो डॉट कैसे इस्तेमाल होता है। मैंने कहा सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम,
अब मैंने कहा बी टू बी डॉट टेबल का नाम क्या है, FAQ। तो अब ये क्या हुआ, इस डेटाबेस का ये टेबल सिलेक्ट करके लाओ, तो ये देखो ये सिलेक्ट करके ले आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, डज नॉट एग्जिस्ट, बी टू बी के अंदर FAQ एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों भाई, इट इज देयर आई थिंक, कोई मिस्टेक हम कर रहे हैं, क्लिक करते हैं जरा। ओके ओके ओके, ये डेटाबेस बेसिकली थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, ये देखो ये चल नहीं रहा हमारे पास, इसमें कोई प्रॉब्लम आई है। हम ऐसा डेटाबेस ले लेते हैं जो हमारे पास चल रहा हो, ठीक, जैसा कि यहाँ TBL डिटेल्स है, ये देखो ठीक है भाई चल रहा है। तो अब अगर हम इसको बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्यूरी कुछ इस तरह से लिखेंगे कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम BADDB, ठीक है, डॉट TBL और डिटेल दी, मैंने कॉपी कर ली, और देखो मैं इसको यहाँ इस जगह पे आके बिल्कुल बाहर आकर MySQL में जाकर यहाँ ही पेस्ट कर रहा हूँ कि BADDB.TBL order। तो ये डॉट क्या कर रहा है, उसके अंदर से ये वाला टेबल सिलेक्ट करना है, देखो सिलेक्ट होकर आ गया टेबल, ठीक है, डेटा आ गया। तो ये बेसिकली क्या है, ये डॉट जो है आप इसीलिए वेरिएबल के नाम में या किसी डेटाबेस के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो मेंबरशिप ऑपरेटर है MySQL के अंदर, किसी चीज में से अगर किसी को एक्सेस करना हो। लेंथ के बारे में अगर बात करें, किसी डेटाबेस का नाम या कॉलम का नाम अगर आपने रखना है तो लेंथ कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम लेंथ जो लीगल है वो है 64 कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने डेटाबेस का नाम रखना चाहता हूँ AppTechDB, तो ये 8 कैरेक्टर होगा। इस तरह से मैं 64 कैरेक्टर तक का नाम रख सकता हूँ, इससे ज्यादा का नाम अलाव नहीं है किसी डेटाबेस के नाम में या कॉलम के नाम में या टेबल के नाम में, ठीक है। इसके अलावा जो है वो जो लेबल्स होते हैं जिसको हम एज कहते हैं, एलियाज, ठीक है, एलियाज जो है वो अलाव है 256 कैरेक्टर तक। मतलब अगर आप एज करके एक एलियाज बनाते हैं जिसको हम टेम्परेरी नेम भी कहते हैं या सेकंड नेम भी कहते हैं किसी भी चीज का, तो वो आप 256 कैरेक्टर तक का बना सकते हैं। अब MySQL की बात करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, फिर MySQL की थोड़ी सी और बात है। MySQL की कमांड जो है वो केस सेंसिटिव होती है। किस तरह केस सेंसिटिव होती है, MySQL बेसिकली केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बेस पे केस सेंसिटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं जरा कुछ, यहाँ चलते हैं, मैंने लिखा भाई सिलेक्ट स्मॉल में लिखा 2+2, ठीक है, तो सिलेक्ट 2+2 लिखा मैंने, तो देखें इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है, सिलेक्ट 2+2 का आंसर क्या आ गया 4, स्मॉल में लिखा था, मैंने एडिट इन लाइन किया, मैं यहीं से एडिट करता हूँ, मैंने सिलेक्ट को कैपिटल करके लिख दिया, ठीक है भाई, मैंने कहा जी सिलेक्ट, ठीक है, और फिर गो किया, तो देखें अभी भी आउटपुट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो तो MySQL के जो अपने कीवर्ड्स हैं, जो इसकी अपनी कमांड्स हैं, वो केस सेंसिटिव नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं किसी कॉलम की बात करूं या किसी टेबल की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई वो जो हमने कमांड लिखी थी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम BADB.TBL, देखो BADB छोटा है यहाँ पर, BADDB, ठीक है, छोटा है, यहाँ पर छोटा लिखा हुआ है, गो कर रहे चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कहीं पर इस बी को, फॉर एग्जाम्पल मैं इस बी को कैपिटल कर भी दूं तो भी कोई मसला नहीं है, यहां पर ये चला देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही कमांड इस डेटाबेस को इस्तेमाल करते हुए लिनक्स के किसी सिस्टम पे, जहां लिनक्स के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वहां ये कमांड चलाऊंगा तो वहां एरर आ जाएगा, क्योंकि डेटाबेस का नाम स्मॉल बी से शुरू हो रहा है और यहां आपने कैपिटल कर दिया। अब सर ये एरर यहां तो आ रहा है, वहां यहां पर एरर नहीं है, वहां एरर हो जाएगा। वजह उसकी क्या है कि विंडोज जो है हमारी वो केस सेंसिटिव नहीं होती, ठीक ना, विंडोज में छोटा किसी वेरिएबल का नाम छोटा करके, सॉरी किसी फोल्डर का नाम अफनान ए कैपिटल के साथ बनाओ, और फिर दोबारा अफनान का फोल्डर अगर आप स्मॉल के साथ बनाना चाहोगे तो विंडोज अलाउ नहीं करती, वो विंडोज के लिए दोनों एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन लिनक्स जो है वो केस सेंसिटिव है, लिनक्स में अगर आप अफनान के नाम से फोल्डर ए कैपिटल के साथ बनाओगे वो अलग फोल्डर होगा, और फिर दोबारा उसी जगह में आप अफनान के नाम से स्मॉल ए के साथ फोल्डर बनाओगे तो वो अलग फोल्डर होगा, ठीक है। तो इसीलिए लिनक्स इस पर एरर दे सकती है कि इस नाम का कोई डेटाबेस नहीं है जहां भी कैपिटल, ठीक है। तो MySQL की केस सेंसिटिविटी डिपेंड करती है कि वो रन किस सिस्टम के ऊपर हो रहा है, जहां क्या इंस्टॉल है। एक चीज है MySQL में जो हमेशा केस सेंसिटिव है, वो है लॉग फाइल नेम। लॉग फाइल के जो नाम होते हैं, MySQL के भी लॉग्स होते हैं, ठीक है, उनके जो नाम होते हैं वो हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं, ये नोट करने वाली बात है, ठीक है, एग्जाम में आ जाता है। फिर है हमारे पास टॉपिक क्रिएटिंग अ डेटाबेस। आप डेटाबेस बनाएंगे कैसे, तो आ जाओ जी डेटाबेस बनाते हैं, SQL में चल के बनाते हैं। हम यहाँ पर क्यूरी लिख सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम दे दिया मैंने अफनान डीबी, ठीक है, तो ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा MySQL में पहले क्या होता था, एक कमांड थी इफ नॉट एग्जिस्ट करके,
ठीक है, अब ये लिखने की जरूरत नहीं होती कि अब ये खुद ही बताया था ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन एक जमाना था जब MySQL ये एरर नहीं देता था कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं, तो उस वक्त ये लिखना पड़ता था कि डेटाबेस बनाओ अगर एग्जिस्ट ना करता हो। अगर आपने ऐसे ही लिख दिया और अपना DB पहले से भी मौजूद था उस जमाने में, तो वो नया बना देता, ये प्रॉब्लम थी। अब ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुक में लिखा हुआ है तो मैंने कहा बता दूं आपको, इफ नॉट एग्जिस्ट लिखते थे लोग कि भाई ऐसा ना हो कि खदशा ना हो जाएगा पुराना, अपना DB लिखा तो ये डेटाबेस हमारा बन जाएगा। कि ये डेटाबेस अपना DB ऐसे करके बना लो, या दूसरा तरीका आप यहाँ न्यू पर जाओ जो फ्रंट एंड वाला तरीका है, यहाँ जाकर आप एक डेटाबेस बना लो अफनान DB, ठीक है। ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। ये क्या चीज है सर? ये है कोलेशन। कोलेशन से क्या मतलब होता है कि किस किस्म का डेटा इसमें स्टोर होगा, ठीक है। ये डेटा का टेक्स्ट फॉर्मेट पूछता है आपसे किस किस्म का, तो आप उसको जनरल CI रखते हैं, UTF-8 MB4 जनरल CI, ठीक है। तो जनरल जो है वो करेक्टर इनकोडिंग है, सही, इसमें कोई मसला नहीं होता। अगर आप इसमें उर्दू वगैरह करना चाहते हैं तो आप फिर यूनिकोड स्टोर करेंगे, देखो फिर यूनिकोड CI यूज करेंगे आप। यूनिकोड के अंदर आप उर्दू, जापानीज, ये वो जो भी लैंग्वेज इंसर्ट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जनरल पे इसको बनाया होगा तो डेफिनेटली जनरल में आपको जो अलाउ होगा वो क्या अलाउ होगा कि आप जो है सिर्फ इंग्लिश और जो आपकी कीबोर्ड के जो करेक्टर है वो इसके अंदर इंसर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम एक डेटाबेस बना रहे हैं अफनान DB के नाम से, क्रिएट कर दिया हमने, तो वो डेटाबेस बन गया अफनान DB। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम इस वक्त अफनान DB के डेटाबेस के अंदर हैं, जहां पर नो टेबल फाउंड इन द डेटाबेस, इसके अंदर कोई टेबल इस वक्त नहीं है। अब आप टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो आप टेबल बनाने का, टेबल का नाम देंगे, कॉलम देंगे, ये बातें बात की है, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस किस्म की डेटा टाइप MySQL हमें सपोर्ट करता है। डेटा टाइप MySQL सपोर्ट करता है न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक डेटा टाइप मतलब इंटीजर, फ्लोट, डबल, ठीक है जी, इनके अंदर भी टाइप्स है। फिर डेट एंड टाइम की डेटा टाइप की सपोर्ट है MySQL में, स्ट्रिंग की डेटा टाइप सपोर्ट है, स्ट्रिंग किस तरह से होंगे, और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप सपोर्ट है, कि भी कॉम्प्लेक्स डेटा फॉर एग्जाम्पल enum और set, ठीक है, जो एरे हमारे होते हैं उस तरह का डेटा भी MySQL के अंदर सेव हो सकता है। उसका पूरा टेबल है बुक के अंदर, इंटीजर की टाइप्स पर, बिग इंटीजर, ठीक है, ये 8 बाइट्स का होता है, फिर डेसिमल, फिर डबल, ये भी 8 बाइट का होता है, फ्लोट, ये 4 बाइट का होता है, इंटीजर 4 बाइट का। MySQL में एक स्पेशल चीज है, वो है मीडियम इंटीजर, ये 3 बाइट का होता है, ये कहीं और नहीं होता, सिर्फ MySQL में होता है मीडियम इंटीजर, ठीक है, ये 3 बाइट का होता है। स्मॉल इंटीजर 2 बाइट का, नॉर्मल इंटीजर 4 बाइट का, और मीडियम इंटीजर 3 बाइट का, ठीक है। और एक और इनके बाद टाइनी इंटीजर जो कि 1 होता है, 1 बाइट का। अब इन सबकी रेंज है, तो टाइनी इंटीजर का जिक्र करना यहाँ पे जरूरी है। मीडियम इंटीजर जो है वो एग्जाम में आ जाता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दूं 3 बाइट का जो इंटीजर है वो है मीडियम इंटीजर, सही है, ये नोट कर लेना। टाइनी इंटीजर होता है 1 बाइट का, इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 255। तो अगर आप कभी एक ऐसा कॉलम बना रहे हैं जिसके अंदर लोगों की एज आनी है, तो डेफिनेटली एज 0 से नीचे नहीं होगी, और 255 से ऊपर आजकल के दौर में किसी की एज नहीं होगी। तो आप जो डेटा टाइप रखें उस कॉलम की, वो आप टाइनी इंटीजर रख दें बजाय इंटीजर रखने के, क्योंकि इंटीजर के अंदर जो रेंज होती है वो 0 से लेकर तकरीबन 42 करोड़ तक की होती है, ठीक है। तो अगर आप एज रख रहे हैं 42 करोड़ की रेंज, तो कोई फायदा नहीं है उसका, एज जो है वो मैक्सिमम भी 100 या 100-200 तक जाएगी, बहुत जाएगी तो कहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप्स है। न्यूमेरिक डेटा टाइप के बाद हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग की डेटा टाइप्स है। तो हम डेटाबेस बनाना शुरू करते हैं पहले। फॉर एग्जांपल मुझे एक डेटाबेस बनाना है TBL। अच्छा आप एक चीज गौर करेंगे, मेरे हर डेटाबेस के आगे DB लगाया हुआ है मैंने। ये प्रैक्टिस इसलिए है कि मुझे पता चले कि अफनान डेटाबेस है, और टेबल से पहले मैं TBL लगाता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये टेबल है, ठीक है। इससे मुझे कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है कि ये चीज है क्या, क्योंकि जब आप कोड कर रहे होते हैं वहां पर आपको फिर आगे देखना पड़ेगा ये चीज क्या बनाई थी हमने। तो TBL लगा हुआ है, एक प्रीफिक्स लगाया हुआ मैंने, इससे मुझे पता चलता है कि भाई ये मेरा टेबल होगा। कोई भी टेबल TBL करके शुरू करता हूँ मैं हमेशा, और डेटाबेस के नाम के आखिर में मैं DB लगाया था, जिससे मुझे पता चलता है कि ये डेटाबेस है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे डेटा टाइप्स की, तो उसके लिए हम एक टेबल बनाना शुरू करेंगे, तो फिर हम डेटा टाइप की बात कर सकेंगे। मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ TBL फॉर एग्जांपल डेटा, ठीक है, ऐसी मैंने एक नाम रख लिया। कितने कॉलम का टेबल चाहिए आप यहाँ बता सकते हैं, तो मैंने यहाँ 4 कॉलम दिए हुए, गो कर दिया। मैंने 4 कॉलम के दे के गो किया, तो इसने मेरे सामने एक स्क्रीन आ गई जहां पर मैं एक डेटाबेस बना सकता हूँ, ठीक है। टेबल का नाम यहाँ से चेंज हो सकता है, अभी TBL डेटा नाम है, और अगर कोई और कॉलम ऐड करना हो, ऐड कॉलम 1, तो जो मैंने गो किया तो देखो एक और कॉलम ऐड होगा, ये 5 होगा, ठीक है। तो आप जितने 4 कॉलम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसको पहले जो यहाँ पे कॉलम है इसके अंदर आ रहा है कि भाई
इस कॉलम का नाम देते हैं। ट्रिवियल डेटा में मैंने कहा फॉर एग्जांपल आईडी एक कॉलम है, फिर उसकी डेटा टाइप पूछी जा रही है। अब देखो कई सारी डेटा टाइप है, इंटीजर है, टाइनी इंटीजर है, स्मॉल इंटीजर है, मीडियम है, बिग इंटीजर है, तो हमने इंटीजर रख दिया, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी की होगी हमारी, बढ़ती चली जाएगी न जाने कहां तक जाए। लेंथ की बात हो रही है, लेंथ हम देते हैं वारचार को सिर्फ, या वारचार को ही देते हैं बेसिकली, चार या वारचार को हम लेंथ देते हैं। तो बेसिकली यहाँ हम इंटीजर को लेंथ नहीं देंगे, इंटीजर की डिफॉल्ट लेंथ होती है मेरे ख्याल से 11, इंटीजर की डिफॉल्ट लेंथ जो है 11 होती है, खुद ही सेलेक्ट करेगा। फिर यहाँ था डिफॉल्ट वैल्यू, क्या कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं आप इसके लिए? मैंने कहा नहीं, मैं कोई इसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है। आगे बढ़े, कोलेशन अगर आप चेंज करना चाहें इस कॉलम की, आप अलग से कोलेशन चेंज कर सकते हैं, जो मैंने पूरे डेटाबेस का बताया था, आप एक कॉलम की भी चेंज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट अगर आपको लगाना चाहें कि इसमें किस किस्म का डेटा, अनसाइंड डेटा आएगा या बाइनरी डेटा आएगा, फिर नल अलाउ करना है तो चेक कर दें, मैंने इसको अनचेक रखा है, नॉट नल है, ठीक है। नहीं इंडेक्स लगा दें आप इसके ऊपर, मैंने कहा जी प्राइमरी की है, जैसे ही मैंने इसको चेक किया तो ये कह रहा है हाँ जी प्राइमरी की लगा रहे हैं आप, ये इंडेक्स का नाम है और ये वाला कॉलम है, ओके जी, ओके ओके, आप प्राइमरी की लग गई। AI का मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट, मैंने चेक कर दिया, इसका मतलब है मेरा ये अलग कॉलम अब ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। अगर कोई कमेंट देना चाहे आप कॉलम के बारे में तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ताकि आपको बाद में याद रहे कॉलम क्यों बनाया था, ठीक है। तो जो बड़े डेटाबेस होते हैं उसमें लोग यहाँ कमेंट लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे कॉलम क्यों बनाया था। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल एक कॉलम बनाना है नेम का, ठीक है भाई। नेम जो है हम स्टोर करते हैं वारचार के अंदर, आइए चलते हैं अभी, स्ट्रिंग की डेटा टाइप है, बहुत सारी डेटा टाइप है, इसमें वारचार मॉड्यूल। अब वारचार में हम बताएंगे लेंथ कि कितने करेक्टर का नेम हो सकता है, मैंने कहा जी 250 करेक्टर का नेम हो सकता है। डिफॉल्ट अगर कोई इंसर्ट ना करे तो क्या जाए, तो हम यहाँ पे नल भी दे सकते हैं, डिफॉल्ट नल हो जाए। एज डिफाइंड कि भी जब डिफॉल्ट हो तो अगर कोई नाम ना दे तो वहां पर बाय डिफॉल्ट इंसर्ट कर देना गुम नाम, ठीक है भाई, तो देखो गुम नाम हो गया, हमारी मर्जी, डिफॉल्ट वैल्यू गुम नाम जाएगी अगर कोई इसकी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा फ्रंट एंड से, ठीक है। अच्छा, अगर हमने इसको देखो, जैसे ही हमने इसको कहा एज डिफाइंड, तो देखो उसने नल कह दिया, इसका मतलब ये नल भी हो सकता है, ये खाली भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने इसको फिलहाल नन पे कर दिया कि मैं वहीं भेजूंगा, और इस पर मैंने कोई इंडेक्स वगैरह पास नहीं किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारी डेटा टाइप थी स्ट्रिंग की, हम इसको सबको देख लेते हैं, एक है चार और एक है वारचार, ठीक है। अगर आप चाहें आप चार भी रख सकते हैं 250 और वारचार भी रख सकते हैं 250। अब इनमें क्या फर्क होता है चार और वारचार में? देखो जो करेक्टर लेंथ है, करेक्टर जो आपका चार करके देते हैं आप, वो भी 250 करेक्टर लेगा और वारचार भी 250 करेक्टर ही हमारा यहाँ पर स्टोर करेगा। बट फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप इस कॉलम में डेटा भेजते हैं, अब फर्ज कर लें कि भाई इस वाले कॉलम में मैंने नाम भेजा अली, अली के कितने करेक्टर होते हैं 3, ठीक है। तो वारचार क्या करता है कि अगर 3 करेक्टर भेजे गए तो वो डेटाबेस के बैकएंड पे 3 ही करेक्टर की जगह लेके बैठेगा, 250 करेक्टर नहीं खेलेगा, ठीक है, वो 3 के अंदर अपने आपको एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपने इसकी टाइप सिर्फ 4 रखी हुई है तो वो 3 करेक्टर पे आपकी वैल्यूज रखेगा ALI, और बाकी के जो 247 करेक्टर रह जाएंगे वहां वो स्पेसेस इंसर्ट कर देगा, ठीक है, वो घेर के बैठ जाएगा प्लॉट। तो ये वजह है चार वार चार के डिफरेंस की, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डेटा टाइप है स्ट्रिंग के अंदर जो बुक में भी डिस्कस हुई है, उनको भी पढ़ लेते हैं। अब इसमें बाइनरी है और बार बाइनरी है। बाइनरी जो है वो बाइनरी बाइट स्टोर करता है 255 करेक्टर तक। अगर आप बाइनरी में सेव करेंगे तो डेटा तो आपका जो है वो होगा स्ट्रिंग इंसर्ट, लेकिन जब वो इंसर्ट करेगा बैकएंड पे तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके सेव कर देगा, ठीक है। बार बाइनरी भी ऐसे ही आप होता, बाइनरी में ही आप इसकी दे सकते हैं लिमिट। तो उसके बाद है blob, जिसको हम blob कहते हैं, ठीक है। blob ये होते हैं बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जो है बहुत बड़ी बड़ी बाइनरी सेव हो जाती है। ये नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूट्यूब जो है अपनी वीडियोज को जब आप अपलोड करते हैं तो यूट्यूब के कई वर्जन सेव करता है, तो बेसिकली वो उसको डेटाबेस में blob बना बना के अपलोड कर देता है, ठीक है। तो जब रीड होता है तो वहीं से बाइनरी में डेटा रीड होता है और आपको कन्वर्ट होकर वीडियो मिल जाती है वापस। ब्लॉब इस्तेमाल होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इस तरह फिर ब्लॉब के भी वर्जन है, मीडियम ब्लॉब है, फिर उसके अंदर लॉन्ग ब्लॉब है, ठीक है जी। उसके बाद टेक्स्ट है, टेक्स्ट की टाइप बड़ी अच्छी है। अगर आपने टेक्स्ट कर दिया तो फिर आपको लेंथ देने की जरूरत नहीं है, नाउ इट विल वर्क। और टेक्स्ट की जो लिमिट है वो है 65,000 करेक्टर, ठीक है जी। उसके बाद अगर और बढ़ जाए तो ये 4 GB तक। एक टाइनी टेक्स्ट है जो कि 255 करेक्टर लेता है, एक है मीडियम टेक्स्ट जो कि 16 MB का डेटा लेता है, और एक है लॉन्ग टेक्स्ट। अगर हम यहाँ देखें तो लॉन्ग टेक्स्ट भी था नीचे थोड़ा सा, अगर हमारे देखो लॉन्ग टेक्स्ट, इस कॉलम के अंदर 4 GB तक का बाइट स्टोर किया जा सकता है, मतलब बहुत ही बड़ा हमारा कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको वारचार ही रखते हैं, सारी डेटा टाइप बता दी मैंने आपको। फिर एक डेटा टाइप हमारे पास होती है डेट की डेटा टाइप।
डेट है इसके अंदर, इसके अंदर डेट टाइम है, फिर इसके अंदर टाइम है, फिर टाइम स्टैम्प है और फिर ईयर है, ठीक है। तो मैंने कहा भी फॉर एग्जांपल अब ये आईडी है, ये नेम है, और यहाँ पर मैं जो है वो फॉर एग्जांपल के कब ये डेटा ऐड हुआ, ठीक है, कब डेटा ऐड हुआ, तो मैंने कहा जी एंट्री टाइम, ठीक है, एंट्री टाइम, इस कॉलम में एंट्री टाइम इंसर्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने जो टाइम है वो डेट रख दी, टाइप जो है वो डेट रख दी, इसका मतलब इसमें सिर्फ डेट इंसर्ट होगी, ठीक है। अगर मैं इसको टाइम रख दूँ तो देखो टाइम है और टाइम स्टैम्प भी है, टाइम भी है इसमें सिर्फ टाइम जाएगा, और टाइम डेट टाइम भी है कि डेट और टाइम दोनों जाए। और एक हमारे पास है टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प की जो डेटा टाइप है ये बड़ी जबरदस्त होती है, इसमें डेट भी जाती है टाइम भी जाता है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके आप डिफॉल्ट वैल्यू टाइम स्टैम्प सेट कर सकते हैं। तो जब जब भी डेटा रॉ इस कॉलम के अंदर, इस टेबल के अंदर कोई रॉ इंसर्ट होगी, तो उस वक्त का करंट टाइम खुद ही इंसर्ट हो जाएगा इसके अंदर ना, खुद ही टाइम स्टैम्प लग जाएगी उस वक्त की। और जब जब भी ये रॉ अपडेट होगी उस वक्त की भी टाइम स्टैम्प इसमें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। तो ये तीन कॉलम का मैंने डेटाबेस तैयार कर लिया, एक टेबल तैयार कर लिया जिसका नाम है टेबल डेटा, सेव का बटन दबाया, तो देखो टेबल हमारा बन गया जिसमें तीन कॉलम है, आईडी है प्राइमरी की, नजर आ रहा है हमें, एक्स्ट्रा में लिखा हुआ भी ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। नेम है वारचार और उसकी कोलेशन जनरल है वारचार 250, और एंट्री टाइम का जो कॉलम है वो बेसिकली टाइम स्टैम्प है और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू करंट टाइम स्टैम्प है। तो इसके अंदर हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डेटा इंसर्ट करते हैं इसके अंदर, ये टेबल देखो अभी खाली है, अगर हम टेबल डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये खाली आएगा, या हम एसक्यूएल में जाके अगर लिखेंगे सिलेक्ट सितारा फ्रॉम टेबल डेटा, वही जो क्यूरी का तरीका था, गो करेंगे तो भी हमारा टेबल खाली आएगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। अब हम जाते हैं इंसर्ट करने, देखो ये रहा इंसर्ट, यहाँ से क्लिक करो तो ये आपको इस टेबल के अंदर है, आप टेबल डेटा में या इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको उसने पूरा आपको बना के दे दिया माहौल। आईडी आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है, बार चार की वैल्यू आप यहाँ दे सकते हैं नेम की, और करंट टाइम स्टैम्प में खुद ही उठा लेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये कैलेंडर है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है भाई। फिलहाल मैंने कहा करंट खुद ही उठा ले, आईडी भी ऑटो इंक्रीमेंट खुद ही कर लेगा, मैंने सिर्फ नाम दिया, मैंने कहा नाम है राहिल खान और गो कर लिया। जैसे मैंने गो किया तो देखो ये इंसर्ट हो गई रॉ, राहिल खान की एंट्री हो गई वन के साथ और एंट्री टाइम था उसका ये डेट हो रही थी और ये टाइम था, ठीक है। इंसर्ट अगेन, इंसर्ट पे गए, अब आपकी बार हम दो रॉ इंसर्ट कर सकते हैं, देखो दो रॉ आ रही है, यहाँ पर चेक लगा हुआ इग्नोर का, अगर मैं एंट्री कर दूंगा तो इग्नोर नहीं करेगा इसको, और यहाँ पर आ रहा होता है कितनी रॉज आप इंसर्ट करना चाहते हैं एक बार में, आप यहाँ 20-200 भी कर सकते हैं, तो 200 आपको कॉलम बना के देगा, आप इंसर्ट करते चले जाए। मैंने कहा अभी एहसान भाई, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कह दिया वासिफ अली खान, ठीक है, दो एंट्रियाँ की मैंने, और नीचे आके मैंने गो का बटन दबा दिया, तो देखो ये दोनों एंट्रियाँ हो गई, दो रॉ इफेक्टेड, ठीक है नी। और हम ब्राउज करते हैं यहाँ क्लिक करके, या फिर यहाँ क्लिक करके, या फिर यहाँ क्लिक करके, तो हमारे पास देखो ये सारी एंट्रीज हो गई, ये बिल्कुल सेम टाइम पे हुई है, दोनों दोनों एक साथ हुई है ना, तो इनके टाइम आ गए टाइम स्टैम्प्स, ठीक है भाई, समझ आ रही है। टेबल हमने बना लिया, डेटा हमने इंसर्ट कर दिया उसके अंदर, ठीक है भाई, कोई मसला? हाँ भाई, किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो,